नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु जी का स्कूल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आपको किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या दो, किस बैंक ने सावधि जमा FD पर ब्याज दरों में संशोधन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है IDBT बैंक। IDBT बैंक ने सावधि जमा यानी FD पर ब्याज दरों का संशोधन किया। प्रश्न संख्या तीन, किस बंदरगाह का अधिकरण अदानी पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गंगावरम बंदरगाह। गंगावरम बंदरगाह का अधिकरण अदानी पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या चार, किस राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है। प्रश्न संख्या पाँच, संकल्प अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान चलाया गया। प्रश्न संख्या छः, हाल ही में क्रिकेट की टीम ने कौन सी सीरीज जीती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोड सेफ्टी सीरीज T20। हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम ने रोड सेफ्टी सीरीज T20 जीती है। प्रश्न संख्या सात, हाल ही में पारित संविधान आदेश विधेयक 2021 किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति। हाल ही में पारित संविधान आदेश विधेयक 2021 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या आठ, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या नौ, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल का उद्देश्य किस एक्ट को निरस्त करना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लाइट हाउस एक्ट। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल का उद्देश्य लाइट हाउस एक्ट को निरस्त करना है। प्रश्न संख्या 10, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई PIC बैठक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंधु नदी जल अधिग्रहण। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई PIC बैठक सिंधु नदी जल अधिग्रहण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 13, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिलिएशन मैकेनिज्म के परिवर्तन पर जोर देने के लिए किस आयोग द्वारा 2 टास्क फोर्स का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिलिएशन मैकेनिज्म के परिवर्तन पर जोर देने के लिए 2 टास्क फोर्स का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 14, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंगना रनौत। कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 15, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुल्तान अबूस बिन साइद अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।